तो लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला और सभी से वोट करने की भी अपील की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डालने के बाद कहा, मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान हमारा अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए, इसलिए पहला काम मैंने आज मतदान का किया है। अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए, इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया है। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी पर वोटिंग शुरू हो गई है। यहां मतदाता 88 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। वही जबलपुर सीट पर सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी और सबसे कम 10 प्रत्याशी मंडला सीट पर है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और हॉट सीट माने जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। छिंदवाड़ा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान सांसद नकुल नाथ ने शिकारपुर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने मत का प्रयोग किया। उनके साथ उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे।